नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर मेकर कंपनी के बारे में। दोस्तों, आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी है फ्यूचर मेकर के सभी डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए। बहुत ही अच्छी खबर आज हाई कोर्ट से आई है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्यूचर मेकर के सभी डिस्ट्रीब्यूटरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज सुबह 10 बजे हाई कोर्ट के अंदर कार्यवाही शुरू हुई थी और कंपनी के वकील श्री विष्णुवर्धन रेड्डी जी कोर्ट में पहुंच चुके थे। चूँकि सारे सबूत उन्होंने पहले से पेश कर दिया था, ये पीडी एक्ट का मामला पिछले साल भर से चल रहा था और राधे श्याम जी पिछले एक साल से जेल की सलाखों के पीछे थे, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे थे किसी भी कीमत पे पीडी एक्ट नहीं लगना चाहिए। जिस तरीके के केसेस फ्रेम किए गए थे, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। लेकिन मैं विष्णुवर्धन रेड्डी जी की बहुत तारीफ करना चाहूँगा। मातृभूमि टीवी के माध्यम से मैं राजेश मिश्रा विष्णुवर्धन रेड्डी जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतनी बिकट परिस्थितियों में उन्होंने केस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया और अंत में जा कर के पीडी एक्ट के मामले को ख़त्म करवाने में सफल साबित हुए। ये बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि फ्यूचर मेकर कंपनी के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं और 15-15, 20-20 लाख रुपए जमा करने वाले इन्वेस्टर का पूरा भविष्य जुड़ा हुआ था कंपनी के साथ। लोगों ने अपनी ज़मीन बेच दी थी, अपना घर गिरवी रख दिया था, बहुत कुछ करके लोगों ने कंपनी में पैसा डाला था। लेकिन राधे श्याम जी के जेल में रहने के कारण सारा का सारा फ्यूचर पूरी तरीके से अंधेरे में दिखाई पड़ रहा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन फ्यूचर मेकर के डिस्ट्रीब्यूटरों ने बहुत ज़बरदस्त सबर दिखाया और कंपनी के साथ बने रहे, साल भर संघर्ष किया। और आज जो रिज़ल्ट आया हाई कोर्ट का, वो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आया है और इससे एक बार फ्यूचर मेकर कंपनी के फ्यूचर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस तरह का फैसला आज हाई कोर्ट से आया है। विष्णुवर्धन रेड्डी जी ने बयान भी दिया है कि उन्होंने पहले भी कहा था कि लगातार वो हर थर्सडे को सुनवाई के लिए उन्होंने आग्रह किया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर भी तेलंगाना को लेटर भी लिखा था और लगातार इसकी सुनवाई भी हो रही थी। यही वजह है कि आज इस केस का जो फाइनल वर्डिक्ट आ गया कि उनके ऊपर पीडी एक्ट नहीं लगा। बाकी बहुत सारे मामलों पहले से ही राधे श्याम जी को बेल मिल चुकी है, तो ऐसे में उनके बाहर आने का रास्ता पूरी तरीके से लगभग लगभग साफ हो गया है। और अब राधे श्याम जी को चाहिए कि जैसे ही बाहर आते हैं, फ्यूचर मेकर कंपनी को जितना और बेहतर हो सकता है उतनी ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि पिछले साल भर से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कितने लोगों ने ब्याज पे पैसा लेके लगाया है, कितने लोगों को ज़मीन जायदाद बेच दी है, कितने लोगों की बेटियों की शादियाँ हैं। तो जिस तरीके से राधे श्याम जी काफ़ी बहुत अच्छे लीडर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी उनको भली भांति है। अब उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जेल से बाहर आने के बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूटरों ने इतने समय तक इंतज़ार किया और सब्र का जो आखिरी पैमाना था उस हद तक इंतज़ार किया लोगों ने, तो उनके इस इंतज़ार का फल उन्हें मिले, ऐसी शुभकामनाएँ मैं राधे श्याम जी को मातृभूमि टीवी के माध्यम से देना चाहता हूँ। साथियों, मैं लगातार फ्यूचर मेकर कंपनी के साथ बना रहा था। कुछ लीडरों ने बहुत गद्दारी की थी कंपनी के साथ, इसका खुलासा भी मैंने किया था। जैसे ही कंपनी के सितारे गर्दिश में हुए, तुरंत दूसरी तीसरी कंपनी में जाके उस कंपनी की जय बोलने लगे। और मेरी कोशिश शुरुआत से यही थी कि राधे श्याम जी को इंसाफ किसी भी कीमत में मिलना चाहिए। इसी लगातार मैं फ्यूचर मेकर कंपनी के इंसाफ की लड़ाई लगातार लड़ता रहा था और आज वो दिन आ गया कि जब राधे श्याम जी को पीडी एक्ट के मामले में उनको छुटकारा मिल गया और बहुत जल्द से जल्द वो जेल से बाहर आएंगे और राधे श्याम जी फ्यूचर मेकर कंपनी को नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे।
और मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग फ्यूचर मेकर का इंतज़ार कर रहे थे या जो लोग भी लोग फ्यूचर मेकर को छोड़कर किसी दूसरी तीसरी कंपनी में चले गए हैं, अब उनको चाहिए कि जिस तरीके से राधे श्याम जी लगातार एक साल में जेल की कैद में रहे और एक सब्र का बहुत अच्छा परिचय दिया और कानूनी लड़ाई लगातार कोर्ट में लड़ते रहे, ऐसे में आप सभी लोगों को वापस आ करके अगर राधे श्याम जी फ्यूचर मेकर कंपनी को नए सिरे से शुरू करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी छोटी मोटी गलतियां और कमियां रही होंगी उनको दूर करके नए सिरे से फ्यूचर मेकर की शुरुआत करेंगे और जो भी लोग दूसरी तीसरी कंपनियों में गए हैं उनको वापस आकर फ्यूचर मेकर कंपनी का साथ देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर मेकर जो कॉन्सेप्ट लाई थी वो अपने आप में एक नया और पहला कॉन्सेप्ट था। उसके बाद उसको कॉपी कर करके दूसरे तीसरों ने कंपनियां चलाई और फ्यूचर मेकर कंपनी को और नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास किया और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आज ये खुशखबरी शेयर करने का दिन है। साल भर की तपस्या के बाद वो दिन देखने को मिला है और आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छे दिन फ्यूचर मेकर में आने की पूरी संभावना है। अब राधे श्याम जी को बाहर आने दीजिए, उसके बाद उनकी क्या नई रणनीति है उस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि चूँकि अपने आप में उन्होंने कई कंपनीज में काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छे लीडर रहे हैं, तो एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने में, फ्यूचर मेकर के फ्यूचर को संवारने में, आप लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने में और फ्यूचर मेकर को एक नई दिशा में, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए बूस्टर के साथ आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ फ्यूचर मेकर कंपनी के साथ हैं। और फ्यूचर मेकर कंपनी आगे जो भी एक्टिविटीज़ करेगी, राजेश मिश्रा और मातृभूमि टीवी हमेशा फ्यूचर मेकर कंपनी के साथ बने रहेंगे। हमारा जो भी हेल्प, हमारा जो भी सपोर्ट होगा, हम हमेशा फ्यूचर मेकर कंपनी को करते रहेंगे। मैं लगातार साल भर फ्यूचर मेकर कंपनी के साथ बना रहा था और जब भी मैंने बुराई की थी तो उन लीडरों की बुराई की थी जो आधे रास्ते में कंपनी को छोड़कर चले गए थे। लिहाजा मैं राधे श्याम जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मातृभूमि टीवी के माध्यम से कि अपनी एनर्जी को वापस लाएं और जेल से आने के बाद फ्यूचर मेकर कंपनी को एक नया भविष्य, एक नया आयाम देने की पूरी कोशिश करें। संघर्ष, जब जीवन में संघर्ष बहुत होता है और हर आदमी के जीवन में 19-20 चलता रहता है, ऐसे में नई एनर्जी के साथ फ्यूचर मेकर कंपनी को आगे ले जाने की ज़रूरत है। और विष्णुवर्धन रेड्डी जी ने बयान दिया है कि उन्हें बार बार फ़ोन करके कोई तंग ना करे, क्योंकि बार बार फ़ोन करने से उनको दिमागी डिस्टर्बेंस होता है, तो उनकी बात को भी लोग समझें। और फ्यूचर मेकर को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और राधे श्याम जी के जल्द बाहर आने का इंतज़ार है और बाहर आने के बाद नई स्पिरिट से काम करें, ऐसी शुभकामनाएं मातृभूमि टीवी की है। तो दोस्तों, आगे जो भी घटनाक्रम फ्यूचर मेकर कंपनी को लेकर होगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा मातृभूमि टीवी पर। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। जय हिंद।